देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये जो बड़ा बिजनेस, तो बिजनेस का हर एक के दिमाग में एक गोल होता है, एक अपना है ना, एक बनाया होता है पिक्चर कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो। आप इतने लोगों को मिलते, इतने लोगों को मतलब इंस्पायर करते हैं, एक लेवल से एक लेयर तोड़ के ऊपर जाने का, आपको क्या लगता है इतने लोगों को मिलने के बाद कि कहाँ ज़्यादातर कमी कहाँ पे होती है? धन्यवाद। पहले तो मैं बधाई देता हूँ गुजरात टीवी को और देवांग जी को, आपने इतने इंटरव्यूज किए और इस शो को इतना पॉपुलर बनाया। आपका प्रश्न है कि गलती कहाँ हो जाती है जी? एक व्यापारी से गलती इस बात पे होती है कि वो बिजनेस का को एक प्रोजेक्ट बनाता है, प्लेटफॉर्म नहीं बनाता। यानी कि कई स्टेक होल्डर होते हैं जिनको वो साथ नहीं लेके चल पाता, जिसको जिससे वो ग्रो करेगा बिजनेस को। क्या अर्थ हुआ इसका? एक होता है माल दो पैसा लो, माल दो पैसा लो, माल दो पैसा लो, ट्रांजैक्शनल है। और एक हो गया प्लेटफॉर्म जहाँ वो इकोसिस्टम में सबको जोड़ पाता है। गुजरात में मैं गुजराती से मिला था, मैंने कहा बिजनेस बड़ा करने के लिए क्या करते हो? कहता है आपनों सेटिंग ऊंची छे बका। इसका मतलब शायद होता है कि मेरी सेटिंग बड़ी ऊंची है। अब ये जो तरीका है ना, ये तरीका कुछ दिन चलेगा, टेम्प्ररी है। लंबा अगर रन करना है तो जो जो आपके बिजनेस में आपके जितने भी प्रकार के कस्टमर हैं उनकी वो बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करो जो अपने आप नहीं कर सकते। तो मतलब आपने बताया कि आप जो भी टिप्स देते हो, आपने पुराने बहुत सारे इंटरव्यूज में अपनी बहुत सारी बातें कह भी दी है, लेकिन यहाँ सीधा सवाल मेरा ये कि ये गुजराती कहते हैं कि आपड़ू सेटिंग बहुत ऊँचू छे बका, और लोग कोई जुगाड़ भी कर लेते, लेकिन बात यहाँ पर आती है कि जिस तरह से MBA की जो इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इतने बड़े जाने माने बड़े बड़े नाम वाले प्रोफेसर्स सिखाते, ये बंदे ने तो कुछ नहीं किया ऊपर से कि कर नहीं पा रहा था इसलिए इस धंधे में आ गया। तो क्या क्लासरूम में धंधा सिखाया जा सकता है कि ऑडिटोरियम में विवेक बिंद्रा जैसा बंदा जो अपने एक्सपीरियंस से, अपने फेलियर से जो सिखाता है वहीं से लोगों को सीखना चाहिए? देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि खाली विवेक बिंद्रा सिखा सकते हैं और क्लासरूम में नहीं सिखाया जा सकता, पर हमारे देश के अंदर एक आयरनी है, वो दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में जो प्रोफेसर है उसकी बेचारे की तनख्वाह 20-25-30 हज़ार रुपये महीना है, और इतने बजट के जो प्रोफेसर होते हैं वो बढ़िया कॉम्पिटेंट हों उसके चांसेस कम है, नहीं मिल पाते। बंद कर दो सब MBA स्कूल और MBA स्कूल में जाना अकॉर्डिंग टू यू? भाई, मैं ये कहूँगा कि जब तक कोई सही MBA कॉलेज ना मिले तो नहीं जाना चाहिए। ऐसा बोलूँगा सबको बंद कर दो, उससे ज़्यादा अच्छा मैं बोलूँगा देखो कि आपके यहाँ लेक्चरर में दम कितना है, आप फैकल्टीज देखो पहले। हाँ, आपके यहाँ फैकल्टी में कितना दम है, नाम मत देखो। भाई देखिए, आप एक बात समझिए ना, IIM अहमदाबाद और 2-3 IIMs को छोड़ने के बाद हार्वर्ड जाइए ना आप, सच्चाई का सामना करिए, 16 लाख रुपये महीना तनख्वाह है प्रोफेसर की। वॉटन जाइए, स्टैनफोर्ड जाइए, NCERT जाइए, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस जाइए, 10-10, 15-15, 20-20 लाख रुपये महीना प्रोफेसर की तनख्वाह है। हमारे यहाँ लेक्चरर को मिलता है, प्रोफेसर को क्या मिलता है? डायरेक्टर डीन को मैं देख रहा हूँ 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार रुपये में रख लेते हैं। जब तक कॉम्पिटेंट आपके पास फैकल्टी नहीं है तब तक आपको वो पढ़ाई नहीं दी जा सकती। हमने इसको चेंज करने की इच्छा रखी। या मैं ये नहीं बोल रहा कि विवेक बिंद्रा सिखाएंगे आपको, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहाँ पर सारे अरबपति प्रोफेसर आ गए इकट्ठे। कर देना चाहिए कॉलेजेस। देखिए, खाली समस्या बताना ये मेरा आज प्रयास नहीं होना चाहिए कि मैं समस्या बता के छोड़ दूँ। हमने समाधान पे काम करना शुरू किया। देवांग भाई, जब हमें समझ में आया कि बच्चे को जो पढ़ाई मिल रही है उससे कॉलेज कैंपस और कॉरपोरेट कैंपस में गैप बहुत बड़ा रह गया है, जो कॉरपोरेट कैंपस को चाहिए वो कॉलेज कैंपस नहीं दे पा रहा है, और जो कॉलेज कैंपस दे रहा है वो कॉरपोरेट कैंपस को किसी भी हालत में चाहिए। एप्लीकेबल टू ओनली मैनेजमेंट स्कूल्स, आई थिंक ये कहीं एजुकेशन सिस्टम में ही गलती लग रही है एंटायर। एजुकेशन सिस्टम की गलती अगर आपने पूछा है तो मैं उसको थोड़ा फिर क्लियर कर देता हूँ। वो गलती ये है कि हमारे को आज कॉरपोरेट को डिग्री चाहिए थी नौकरी के लिए। डिग्री देने के लिए आपको कॉलेज खोलना है, और अगर आपने कॉलेज खोला डिग्री देने के लिए तो आपका मेन गोल है डिग्री देना, आपका मेन गोल उसको एजुकेट करना बचा ही नहीं था। मैं वापस आता हूँ, इस समस्या को सुलझाया कैसे जाए? अब आपको चाहिए वो आदमी जो सिखा सकता है। सिखाएगा कौन? जिसने खुद किया हो प्रैक्टिस। सिखाएगा कौन? जिसने खुद किया हो प्रैक्टिस। तो मैंने सारे अरबपति प्रोफेसर अपने प्लेटफॉर्म पे लाए। नंबर वन मोबाइल है Xiaomi इंडिया में, तो उसका CEO हमारा प्रोफेसर बनाया हमने। नंबर वन आर ओ कैंट है, तो उनका CEO हमने चेयरमैन बनाया। मतलब हर बिजनेस में जो नंबर वन है, ऐसे हमने 100 बिलियनर्स को अपने साथ प्रोफेसर बनाया। अब वो आकर के हमारे साथ में सिखाते हैं
और हमने देखा कि इसको सीखने के लिए इसकी फ़ीस होनी चाहिए कोई 18 से 20 लाख रुपया 2 साल की, और हमने बहुत मेहनत किया कि इसको हम सस्ता कैसे करें, अफोर्डेबल कैसे करें। तो आपको जान के अच्छा लगेगा कि हमने 1500 रुपये महीने पर इस कोर्स को लॉन्च किया है। ऑनलाइन कोर्स? हाँ, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, मिलते भी है, क्लासरूम में भी पढ़ाते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। 1500 रुपये महीना, स्टूडेंट को चाहिए तो 750 रुपये महीना। अब ऐसा अफोर्डेबल प्रोग्राम पृथ्वी पे कोई नहीं ला सका, इसीलिए हमने ना हम देश में बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं। ये बात आती है कि ज्ञान सबके पास है, लेकिन स्ट्रेटजी बनाना, जिस तरह से आपने देखा कि वैक्यूम कहाँ पे है, क्या चाहिए, आपने वो देख लिया कि डिमांड यहाँ पे है, अभी मैं सप्लाई कर सकता हूँ, तो आपने एक्सपर्ट जो भी है उनको बुक कर दिया अपने साथ, उसके बाद स्ट्रक्चर ऐसा बनाया। मेरे हिसाब से कोई भी बिजनेस का सक्सेस फॉर्मूला के लिए टॉप 3 पॉइंट्स क्या क्या होने चाहिए, लाइक आप एक सक्सेस हो सफल बिजनेस के लिए, आपने टॉप 3 चीज़ें मांगी हैं, तो पहली चीज़ होनी चाहिए आपके पास कस्टमर की क्लियर प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है कस्टमर। जिस दिन आपने प्रॉब्लम ढूंढ डाली, पहली चीज़ प्रॉब्लम अगर आपको ढंग से मिल गई, तो अब आपको चाहिए वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। बाकी मार्केटिंग सेल्स सब चीज़ें जो है ना वो एक बार हो जाएंगी, दोबारा नहीं होंगी अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो अपने आप रीसेल होगा, अपने आप लंबा समय चलेगा, बार बार बिकेगा, बहुत लंबे रेकरिंग रेवेन्यू आएगा, बहुत दूर तक चलेगा। तो दो चीज़ें पहले क्या चाहिए, एक चाहिए प्रॉब्लम और एक चाहिए वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। अब अगर ये दो चीज़ें अच्छी हो गई, तो अब आपको चाहिए लो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिससे पैसा ना लगे आपको। अगर देखिए, आजकल भी बिना पैसा खर्च किए बिजनेस हम लोग करना सिखाते हैं लोगों को, बिना पैसा लगाए बिजनेस तो कैसे ग्रो किया जाए। हमने क्या किया सर, आज एक व्यापारी को अगर बिजनेस को बड़ा करना है तो उसको 3 T चाहिए होते हैं, टेक्नोलॉजी, टीम और ट्रेनिंग। इससे वो स्केल कर सकता है, टेक्नोलॉजी, टीम और ट्रेनिंग से वो बिजनेस को स्केल कर सकता है। पर्सनैलिटी कौन होता है, लल्लू लाल गुलाब जामुन वाला बढ़िया गुलाब जामुन बनाता है पर जब तक बनाएगा तभी तक बेचेगा। लॉयर अगर बढ़िया कोर्ट में हियरिंग करेगा पर जितनी हियरिंग करेगा उतना ही कमाएगा। डॉक्टर अगर बढ़िया दवाई लिख के देता है पर जितनी दवाई लिखेगा उतना ही कमाएगा, उससे ज़्यादा तो कमा नहीं सकता। आर्किटेक्ट, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर, टीचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब वो लोग हैं जो जितना काम करेंगे उतना ही कमाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। बढ़िया बिजनेसमैन वो है जो अपने बिजनेस को स्केल करना जानता है। कहीं ऐसा तो नहीं आपका रीजनल मॉडल है कि आप राजकोट में पैदा हुए और राजकोट में ख़त्म हो गए, बुरा मत मानिएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप मोरबी में चालू किया, थोड़ी बहुत टाइल बनाई और ज़िंदगी मोरबी में बता दी आपने। आप बिजनेस को स्केल कैसे करें सीखना ज़रूरी है। हमने उसको अफोर्डेबल प्रोग्राम्स में, देखिए हमें समस्या समझ में आ गई कि फॉर्च्यून लाइज इन द बॉटम ऑफ द पिरामिड। सबसे बड़ी ग्रोथ थी वो एक आम आदमी के साथ थी हमारे देश में, और हम आज बहुत खुश हैं कि हमने सफलतापूर्वक इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। आज हज़ारों लाखों लोग 750 रुपये महीना, 1500 रुपये महीने में हमारे 2 साल के मैनेजमेंट कोर्सेज, MBA प्रोग्राम्स, मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के प्रोग्राम सीख रहे हैं। वरना आप अगर भेज दो उन्हें किसी कॉलेज में, आप अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, कहीं आजू बाजू बहुत हाईवे पे कहीं कॉलेज खुले हुए हैं, आप भेजिए, अगर वो 2 साल के बाद कुछ भी सीखा तो मैं अपना प्रोग्राम बंद कर दूंगा। यहाँ पे रोकता हूँ, आप हर प्रोग्राम में बताते हैं कि मेरी जीवन में मुझे जो भी नई दिशा दी भगवद गीता ने दी, भगवद गीता ने एक सोच दी, नया डायरेक्शन दिया। शायद हो सकता है कि उच्च अच्छी प्रेजेंटेशन क्वालिटी थी आप में, तो अच्छी तरह से सरल लैंग्वेज में लोगों के सामने रख भी दिया, ये बात तो अलग हो गई। और ये चीज़ तो आप साधु बन के भी, भगवा पहन के, मतलब वाइट ग्रीन या कोई भी भगवा पहन के भी आप कर सकते थे। लेकिन एक बिजनेस मॉडल में, इस बिजनेस मॉडल बना के रखना, एक संत ने सिखा दिया, भगवत गीता सार समझा दिया, बोल दिया रट लो इतना, अपने हिसाब से आपने इंटरप्रिटेशन भी किया उस श्लोक का। लेकिन ये बड़ा बिजनेस वाला जो बात है कि नहीं विवेक बिंद्रा बिजनेस कर सकता है, उसको खुद को कहाँ से मालूम पड़ा कि विवेक बिंद्रा खुद बिजनेस कर सकता है। बड़ा बिजनेस की बात बाद में आती है, लेकिन बिजनेस भी कर सकता है। क्या किसी ने बताया बंदे तेरे में दम है, या खुद को लगा सोच के कि यार क्या कर रहा हूँ, आई एम वेस्टिंग माई टाइम। देखिए मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि दूसरे जब तारीफ करें कि बंदे तेरे में दम है तो मुझे मान लेना चाहिए मेरे में दम है, दैट्स नॉट द राइट प्रैक्टिस। 100 गधे अगर मेरे को मिलके बोले कि मैं तो महान गुरु हूँ तो मैं महान गुरु नहीं बन जाऊँगा। 100 गधे अगर एक गधे को बोले कि तू गुरु है तो गधा गधा ही है, गुरु नहीं है। ऐसा समाज में कौन क्या बोलता है, बुद्धिमान बोलता है या कम बुद्धिमान बोलता है। सबसे अच्छा तरीका, अगर आप कन्फर्म करना चाहते हैं कि आप सफल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो ये इधर उधर के लोगों से मत सुनिए, अपने एक्चुअल एंड कंज्यूमर से पूछिए आपको कैसा लग रहा है। जिस दिन एंड कंज्यूमर आपको बोलेगा कि मैंने आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल किया और आज मैं आपके प्रोडक्ट के लिए एडवांस देने को तैयार हूँ, आज मैं आपके प्रोडक्ट के लिए डिपॉजिट देने को तैयार हूँ,
आज मैं आपके प्रोडक्ट के लिए लोन लेने को तैयार हूँ, इतना बढ़िया आपका प्रोडक्ट है कि मैं अपने गहने गिरवी रख दूंगा लेकिन आपका प्रोडक्ट जरूर यूज़ करूंगा। आपके प्रोडक्ट में आज इतना दम है कि अपना मकान गिरवी करके मैं यूज़ करने आ रहा हूँ, मुझे मालूम है बड़ी ग्रोथ मिलेगी। तब आपको पता चलता है कि आप सफल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। विवेक बिंद्रा को कब पता चला? मुझे विवेक बिंद्रा को भी कस्टमर नहीं बताया, पहली बार मारुति ने बताया था। मारुति में बहुत बड़ी समस्या चल रही थी, लेबर की, वर्कर्स सुपरवाइजर्स के झगड़े चल रहे थे। सीधा मारुति तो हाथ में नहीं आया होगा ना? सीधा ही मारुति हाथ में आया था। सीधा ही मारुति हाथ में आया था, हमारे को इधर उधर जाने का कभी जरूरत नहीं पड़ा। जिधर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहीं घुसना चाहिए, इधर उधर जाना ही नहीं चाहिए कभी। मारुति में उन दिनों सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। मैंने उनको बोला कि आप सबसे मुश्किल बैच मेरे को दे दो, सबसे आतंकवादी, टेररिस्ट, डिफिकल्ट, सबसे कठोर लोग जो बिल्कुल किसी की नहीं सुन रहे, वो मेरे साथ छोड़ दो दिन के लिए। उसके बाद अगर फर्क नहीं आया भगवद गीता के आधार पर तो जिंदगी में ट्रेनिंग नहीं करूंगा। कौन से साल की बात है ये? 2012-13। ओके, और वहाँ से आपको लगा कि नहीं, यस, ये और बड़े लेवल पे? मारुति को लगा। अच्छा, मारुति को लगा। कस्टमर को लगना चाहिए, मुझको नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ कस्टमर ही बताएगा, कस्टमर ही सिग्नल देगा, कस्टमर ही समझाएगा। कस्टमर सिग्नल देता है, अच्छी कंपनी उसका प्रोडक्ट बना देता है।